केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाएं यदि धरातल पर पहुंचे तो बेरोजगारी की समस्या कुछ दिनों में ही समाप्त हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों के माध्यम से बेरोजगारों तक सीधी पहुंच बनाकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये शब्द डीसी कांगड़ा संदीप कुमार ने धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी मौजूदा समय में सबसे बड़ी समस्या है और इसका यथाशीघ्र समाधान करने की आवश्यकता है। इसके लिए जिला कांगड़ा में एक विशेष अभियान स्वरोजगार आपका अधिकार विभाग आपके द्वार नाम से शुरू किया जा रहा है। डीसी के मुताबिक इस विशेष अभियान के तहत उन लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है और लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा जो कि अभी तक इससे वंचित हैं। इसके तहत पहले चरण में कृषि बागवानी मत्स्य और पशुपालन विभाग को शामिल किया गया है। डीसी ने बताया कि आगामी सोमवार यानी 26 मार्च को डीसी ऑफिस में 3 से 5 बजे तक उत्तक विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान कोई भी बेरोजगार फोन करके अपनी स्वरोजगार की रुचि बता सकता है। कॉल करने वाले की पूरी डिटेल हासिल करने के उपरांत 15 दिन के भीतर विभागीय टीम उस व्यक्ति से संपर्क करेगी। तदउपरांत उस व्यक्ति को उसकी रुचि के मुताबिक स्वरोजगार के लिए उचित सलाह और सरकारी सहायता की जाएगी। 6 माह बाद उसका फॉलोअप स्वयं डीसी करेंगे कि कितने लोगों को सही मायने में लाभ मिला है। डीसी के मुताबिक विभिन्न विभाग अपने स्तरों पर जागरूकता कैंप भी आयोजित करते हैं, लेकिन इन कैंपों में नए लोग नाम मात्र ही जुड़े हैं। ज्यादातर यही देखा गया है कि हर बार कैंप में वही पुराने चेहरे होते हैं। ऐसे में ज्यादा लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए अब विशेष अभियान के रूप में उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा जो कृषि बागवानी मत्स्य और पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार के इच्छुक हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान डीसी ने कहा कि जिला के अधिकतर युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद अन्य जिलों और बाहरी राज्यों की फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर होते हैं। इन फैक्ट्रियों में युवाओं को नाम मात्र का वेतन दिया जाता है और बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों से युवा पलायन करते हैं। युवाओं को अपने घर पर ही स्वरोजगार उपलब्ध करवाकर प्रशासन इन युवाओं का पलायन रोकने का भी प्रयास करेगा। जिला कांगड़ा में स्वरोजगार आपका अधिकार विभाग आपके द्वार डीसी से करे संवाद। ये योजना हमने बनाई है जिसके तहत डिफरेंट जो हमारे विभाग हैं उनकी स्वरोजगार की योजनाओं के बारे में हम जानकारी देंगे। इसके लिए हमने एक प्रक्रिया अपनाई है कि आने वाला जो सोमवार है 26 तारीख को, उस दिन हमारे कार्यालय में डिफरेंट विभागों के जो अधिकारी हैं वो बैठेंगे। इस कड़ी में हमने सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री को लिया है। ये विभाग के अधिकारी हमारे ऑफिस में बैठेंगे। हम आपके साथ कुछ नंबर शेयर कर रहे हैं जनरल पब्लिक को जो बताने हैं, और जनरल पब्लिक जो है आम आदमी जो है वो हमें कॉल करेगा और कॉलर को हम रजिस्टर करेंगे, और जो कॉलर रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके पास विभाग के सक्षम अधिकारी कर्मचारी जो है 15 दिनों के भीतर उसके योग्य जो स्वरोजगार की स्कीम होगी उनके बारे में उसको बताएंगे। और जो हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाएगा व्यक्ति, उसको जानकारी देने के बाद हम 6-7 महीने के बाद उनको विभाग ने क्या लाभ दिए हैं उसके बारे में उनके साथ हम दोबारा से वार्तालाप करेंगे। तो सोमवार का दिन हमने निश्चित किया है 3 बजे से लेके 5 बजे तक, और विभाग मैंने बताया बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो हमारे पास जुड़ जाएगी, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी कॉलर हमें हमारे साथ जुड़ेंगे उनके पास उनके घर पर हमारे कर्मचारी जो है वो या अधिकारी जो है 15 दिनों में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे।